हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कद्दू के फूल की पकौड़ी की रेसिपी। और ये पकौड़ी बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होगी। इसको बनाने के लिए मैंने ये कद्दू के फूल लिए हैं जो कि 10 से 15 है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब जो इसकी ये साइड की डंठल है, इसको हम नाइफ से इस तरह से कट कर लेंगे। और इसी के साथ इसके हम बीच वाले पार्ट्स को इस तरह से काटेंगे कि जो उसके बीच में जो पूरा का पूरा पार्ट होता है वो इस तरह से बाहर निकल के आ जाए। तो इसी तरह से हम सारे फूल को साफ़ कर लेंगे। ये देखिए, अब मैं एक बाउल लूँगी। इसमें मैंने डाला है आधा कप बेसन, इसी के साथ डाला है आधा कप चावल का आटा। चावल को मिक्सी में आप पीस लें। इसको हम छान लेंगे। अब इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो आधा चम्मच लिया है लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच लिया है हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लिया है धनिया पाउडर और आधा ही चम्मच लिया है नमक। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें आप। एक चौथाई चम्मच कलौंजी ली है और एक चौथाई चम्मच ही लिया है अजवाइन। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें मिक्स करते जाएंगे और इस तरह से इसके बैटर को हम रेडी करते जाएंगे। एक चुटकी मैंने डाला है बेकिंग सोडा और इस तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारा जो ये बैटर है वो रेडी हो चुका है। अब पकौड़ियों को तलने के लिए एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो जो हमने ये बेसन का बैटर बना के रखा है इसमें इस तरह से फूल को डिप करेंगे दोनों तरफ से और इसको इस तरह से डाल देंगे ऑयल में। इसी तरह से हम बाकी की पकौड़ियाँ जितनी हमारे पैन में आ जाएंगी उतनी डाल लेंगे और जब ये एक तरफ से लाइट ब्राउन हो जाएंगी तब हम इसको पलटेंगे दूसरी तरफ। इसी तरह से सेक लेंगे दोनों तरफ हम इसको पलटते हुए। और ये देखिए, हमारी गर्मा गर्म क्रिस्पी पकौड़ी एकदम तैयार है। इसी तरह से आप भी बनाएं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को ऑन करिए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।